दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले रेंटेक सिरप के बारे में। रेंटेक सिरप जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसमें रेंटिडिन 25 mg कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइस MRP लगभग 44 रुपीज है। तो चलो इस वीडियो में जानते रेंटेक सिरप के यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। सबसे पहले जानते रेंटेक सिरप के यूजेस के बारे में। रेंटेक सिरप का इस्तेमाल गैस्ट्रोफेगस रिफ्लेक्स डिसीज एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज में किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोफेगस रिफ्लेक्स डिसीज, जिसे एसिड रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। गैस्ट्रोफेगस रिफ्लेक्स डिसीज जो कि एक क्रोनिक कंडीशन है, जिस इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट के ऊपर की मांसपेशियां बहुत अधिक आराम करती है और पेट की सामग्री को आपके एसोफेगस मुंह से वापस आने देती है। रेंटेक सिरप जो कि H2 रिस्पेक्टर एंटीएगोनिस्ट नामक समूह से संबंध है, ये आपके पेट द्वारा बनाए जाने वाली एसिड की मात्रा को कम करता है और हार्ट बर्न एसिड रिफ्लेक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है। इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे वैसे ही लेना चाहिए जैसे आपको लेने के लिए कहा गया है। जीवन शैली में कुछ आसान बदलाव हार्ट बर्न को रोकने या कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। उन भोजनों के बारे में सोचे जिससे हार्ट बर्न होता है और उससे बचने की कोशिश करे। थोड़ी थोड़ी देर में कम मात्रा में भोजन खाए। अगर आप ओवरएटिव है तो वजन घटाने की कोशिश करें और आराम करने के तरीके खोजें। बिस्तर पर जाने से 3 या 4 घंटे के भीतर भोजन न करें। अब जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में। स्टमक के ऊपरी भाग पर जब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग NSAID वे दोनों उस एसिड के खिलाफ पेट की सुरक्षा काम कर देते जिससे खाने के पचाने के लिए पेट बनाता है। ये पेट को नुकसान पहुंचाता है और इसके कारण अल्सर बन सकता है। इन अल्सर के इलाज के लिए रेंटेक सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अल्सर के कारण क्या हुआ इसके आधार पर आपको अन्य दवाई दी जा सकती है। अब जानते रेंटेक सिरप का इस्तेमाल कैसे करें। इस्तेमाल करने के पहले लेबल की जांच कर ले। इसे मापने वाले कप से मापे। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से इसे हिलाए। रेंटेक सिरप को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसे एक फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे आप आपकी दवाई लेना नहीं भूलेंगे। अब जानते हैं इसे यूज करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में। सॉफ्ट ड्रिंक्स, संतरे, नींबू जैसे खट्टे फल लेने से परहेज करें जो पेट में परेशानी कर सकते हैं, इसलिए एसिड का स्तर बढ़ सकता है। अगर आपको कभी भी किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है या डायग्नोस्टिक किया गया है तो डॉक्टर को सूचित करें क्योंकि आपकी दवा की खुराक एडजस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने डॉक्टर से बात किए बिना दवा लेना बंद न करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।